इस लिरिक्स को बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना काइन मास्टर ओपन करना है, ठीक है। हमारा काइन मास्टर ओपन हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे 16:9 रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू, एंड यहाँ पे आप लोगों को एक वाइट इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक वाइट इमेज ले लेनी है। इसके बाद हमें इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें एक म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे फोल्डर डाउनलोड, ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, ये रहा, ये हमने सॉन्ग कर लिया। यहाँ से इसकी लिरिक्स स्टार्ट हो रही, मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, ट्रिम राइट, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया, आप लोग सिंपली ये कर लोगे। इसके बाद हम लोगों को इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। चलिए तो मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ सिंपली, जो भी मुझे इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इसमें ये वाला टेक्स्ट जो है वो मैं ये ऐड करूँगा, ठीक है। दुनिया जमाने से, एंड यहाँ प्रेस करूँगा ओके, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, यहाँ पे इसका कलर भी वाइट है, शो नहीं हो रहा, इसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिंपली मैंने यहाँ से ब्लैक कर लिया, ठीक है, ये कलर वाला ऑप्शन से। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैक हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ, इसका फंड चेंज करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने माय फंड ऐड कर रखा है। अगर आप लोगों को ये फंड ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर पाओगे। मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। आप देख लेना बाद में, इससे पहले इस वीडियो को बनाना सीख लेना, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ये ऐड नहीं हुआ, चलिए इसे थोड़ा हम डिलीट करते हैं, एंड अगेन हम फिर से राइट करते हैं। ये ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी। दुनिया आप देख सकते हो ये टाइप हो रहा है, दुनिया जमाने से। आप लोगों को भी यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है लिरिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे अब मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ। ये कलर कहाँ गया ऊपर, ये कलर ब्लैक आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हो चुका है। अब सिंपली इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को, ये सिंपल सेंटर हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को इसमें एक, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा नीचे शेडो, हम इसमें शेडो भी दे देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह हमें इसमें शेडो दे देनी है, ये नीचे साइड, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह आप दे देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको जैसी अच्छी लगे, ठीक है। मैंने इस तरह इसमें शेडो दिया है, आप दे देना, काफ़ी अच्छी लगती है इसमें शेडो, आप देख सकते हो ये शेडो लग चुकी है। अब हम इसमें देंगे एक, ठीक है, हमारा टेक्स्ट का काम हो चुका है। अब इसमें हम लोगों को एक ओवरऑल एनिमेशन, ठीक है, आप लोगों को इन आउट एनिमेशन नहीं बल्कि ओवरऑल एनिमेशन देना है। यहाँ पे आपको पल्स वाला देना है, ठीक है, ये पल्स वाला, आपको पल्स वाला जो है वो एनिमेशन इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद सिंपली आप लोग बैक आ जाना है, एंड लेयर पे टैप करना। लेयर पे टैप करने के बाद इफेक्ट पे टैप करना है। इफेक्ट पे जैसे टैप करते हो आपको यहाँ पे एक श्वेरल 2.0 ये करके आपको इफेक्ट मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। आई थिंक इसमें था वो डिस्ट्रोशन, इसमें आप देखोगे तो ये देख सकते हो, ये स्वेरल 2.2 इसमें दिख रहा है। आपको इस पर टैप करोगे तो ये वहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर आप टैप करना, ये ऐड हो चुका है। अब सिंपली हम लोग इसमें कुछ नहीं, की फ्रेम ऐड कर लेंगे जहाँ तक कि हमारी लिरिक्स गई है। सबसे पहले हम लोग इसे कुछ इस तरह यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, जहाँ तक हमारा सॉन्ग गया है। इसे करने के बाद हम लोग इसमें कट्स लगा लेंगे, जहाँ पे भी हमारे लिरिक्स एंड हो रही है हम सिंपली इसमें कट्स लगा लेंगे। आप सुन सुन के लगा लेना, मैं जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से कट्स लगा लेना। इसके बाद हम लोग इसमें ये दिख रहा है, इसको भी इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को ये लिरिक्स चेंज कर लेनी है, मैंने सेम रखी है तो आप इसे चेंज कर लेना, ये जहाँ पे भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे ये हो चुका है। अब इसे क्या है, सिंपली यहाँ पे सेट कर देना है, यहाँ इस तरह है, एंड यहाँ पे आपको की फ्रेम देनी है एक, ठीक है। यहाँ पे इधर, फिर इधर ले आना है इसको थोड़ा, इधर कुछ इस तरह, यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह आप देख सकते हो, कुछ इस तरह, एंड इसे यहाँ, एंड इसे यहाँ से गायब कर देना, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें सेट हो चुका है। आप लोगों को सिंपली अब करना क्या है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ का, यहाँ पे आप लोगों को इसे डुप्लीकेट करना है, एंड नेक्स्ट इसे ये आप लोगों को डुप्लीकेट करा है, इसको यहाँ पे ला के एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे इसे
जितना भी टेक्स्ट जा रहा है उतना ही इसे एडजस्ट कर लेना है। इस तरह आप देख सकते हो ये एडजस्ट हो चुका है। देन यहाँ पे टैप करके आप लोग यहाँ डुप्लीकेट कर लीजिए। इसके बाद वापस यहीं आइए एंड इसे भी कुछ उसी तरह एडजस्ट कर लीजिए जिस तरह उसे एडजस्ट किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है। एंड फिर देन यहाँ से डुप्लीकेट इसको यहाँ पकड़ के, यहाँ ऐसे पकड़ के यहाँ रख देना है जहाँ पे भी हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये इसे अब ये ज़्यादा हो रहा है, आउट जा रहा है, इसे यहाँ एडजस्ट कर लेना है। देन यहाँ डुप्लीकेट इस पर टैप किया एंड वापस इसे यहाँ ले आए। एंड इसके बाद ये यहाँ पे भी ये एंड हो रहा है। ठीक है, अब ये सॉन्ग यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा हो तो इसे आप लोग यहाँ से सिंपली ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम ट्रिम टू राइट, आप देख सकते हो ये हो चुका है। आप देखो इसे सारे जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं उन सब पे लग चुका है। अब लास्ट हम इसमें कलर देंगे। ठीक है, सिंपली लेयर पे टैप करेंगे, हैंड राइटिंग, यहाँ पे आप लोग ये बॉक्स ले लेना। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला बॉक्स ले लिया। एंड कलर आप लोग ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं से भी यहाँ से ग्रीन ले सकते हो, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, मैंने ये ग्रीन लिया, मैं सिंपली इसे यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ये ब्लैक हो गया, मैं इसे वापस यहाँ ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं सिंपली यहाँ से इसे ड्रॉ कर दूंगा। इस पर टैप किया मैंने, इसे यहाँ पर रख देना है जहाँ पे हमारे टेक्स्ट हैं एंड इसे फुल कर देना है। जहाँ तक कि हमारा टेक्स्ट जा रहा है वहाँ तक इसे फुल कर देना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, इसे स्क्रीन पे टैप करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस तरह बन के रेडी हो चुका है। सिंपली आप लोग भी इसे ऐसे ही बहुत ही ईजी में वे में एडिट कर पाओगे एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में एंड आपके इससे काफ़ी फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस कमेंट, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।